मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के बड़ा कब्रस्तान में याकूब मेमन की कब्र पर मार्बल टाइल्स और लाइट लगाने के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। बड़ा कब्रस्तान के मुमरा के रहने वाले पूर्व ट्रस्टी एडवोकेट जजील नौरंगे ने बताया है कि टाइगर मेमन के नाम से धमकी दी थी, ऐसा आरोप जजील नौरंगे ने लगाया है। जजील ने बताया है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था और धमकी देने वाले शख्स ने कहा था कि याकूब मेमन की कब्र की जगह को हमारे नाम कर दिया जाए, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। मगर जब एडवोकेट जजील नौरंगे ने बात नहीं मानी तो उन्हें ट्रस्ट से 2020 में बाहर कर दिया गया और उन पर एक FIR भी करवा दिया गया था। हालांकि धमकी मिलने के मामले में एडवोकेट जजील ने महाराष्ट्र ATS चीफ, मुंबई पुलिस कमिश्नर और बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से शिकायत की थी और साथ ही मुमरा पुलिस स्टेशन में एक NC भी दर्ज करवाई थी। वहीं एडवोकेट जजील ने यह भी बताया है कि याकूब मेमन की कब्र 2021 के पहले ब्यूटिफिकेशन नहीं हुआ था। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व ट्रस्टी एडवोकेट जजील नौरंगे ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। जजील जी, ये बताइए कि आपने एक शिकायत की थी रऊफ के खिलाफ, क्या शिकायत थी आपकी और कहां पर ये शिकायत आपने की? मैंने रऊफ के खिलाफ एक शिकायत की थी कि मुझको ट्रीटेन करते हैं, क्या ये जो है अभी जो वटे का जो मामला अभी जो सामने आया है, क्या वटा मुझको अलॉट करो। मैंने अलॉट करने के वास्ते मना किया तो तू मुझको जो है वो भाई के नाम से धमकी देके मेरे को ट्रीटेन करते, जिसकी कंप्लेन मैंने LTMR पुलिस स्टेशन में, ATS में और कमिश्नर ऑफिस में, तीनों में मैंने लेटर दिया था। ये मेरा लेटर है, ये मैंने लेटर दिया था, जिसके बाद में मुझको कोई वहाँ से रिप्लाई या आए नहीं, मुझको बुलाया नहीं गया। और ऊपर से उसके बदले में उन्होंने फिर कंप्लेन डाल के मेरे को झूठा FIR करा दिया। आपको क्या फिजिकली आकर रऊफ ने किसी के नाम की धमकी देने की कोशिश की, किसी से बात कराने की कोशिश की? अगर की तो किसके नाम पर थी? और आपने नहीं बात की तो क्या कहा? वो फिजिकली मेरे पास आते थे 2019 में सलवा होटल पर, और ऐसी दौरान के बुलाते थे, और इलेक्शन का दौरान का तो सेम अपना इसमें वर्किंग थी, हालांकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो वहाँ पर फिजिकली आते थे और मुझको बोलते थे कि करके दे, नहीं तो भाई का तेरे को कॉल आएगा, ले भाई से बात कर। तो मैं उसको बात करने से डिनाई करता था कि मुझको नहीं बात करनी, मेरा क्या लेना देना। आपने जब बात नहीं की तो कौन से शब्दों में उन्होंने धमकी दी? उन्होंने ये धमकी दी क्या, अगर तुम काम करके दोगे तो भाई का तुम्हारे पे हाथ आएगा, और नहीं करके देंगे तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा वो आप ही देख लो। इस तरीके से मुझको धमकी दी, उसी की धमकी के बुनियाद पर जो है मैंने जो है एक NC भी की थी मुमरा पुलिस स्टेशन में, एक NC की, ये NC की कॉपी है। आपने ट्रस्ट क्यों छोड़ा? आपको ट्रस्ट से क्या हटाया गया, कोई इल्ज़ाम लगाया गया? और इल्ज़ाम लगाने के पीछे यही वजह थी? हाँ, ट्रस्ट पे इल्ज़ाम लगाने की वजह थी कि मुझ पर जो 2020 में जो FIR हुई उस बुनियाद पर मुझ पर FIR की गई। FIR होने के बाद में ट्रस्ट के पास में कोई लॉ नहीं है कि किसी को हटा दिया जाए, लेकिन ट्रस्ट का इंटेंशन ही ये था कि ये दोनों हटेंगे तो उसका ब्यूटिफिकेशन होगा। इसके लिए इन लोग ने इनलीगल तरीके से मुझ पर हटाया, क्योंकि इल्ज़ाम जो है साबित नहीं हुआ। ट्रस्ट का एक लॉ है जिसके अंदर किसी का इल्ज़ाम साबित होता है तो तुम उसको ट्रस्ट से निकालो, और वो भी वक्फ की परमिशन से। इन लोग ने विदाउट वक्फ परमिशन से डायरेक्ट हमारे ऊपर ना मिड डे पेपर वगैरह में छाप दिया कि हमने ट्रस्ट से उनको निकाल दिया, ऐसा था। हालांकि ये भी इल्लीगल है, इन लोग ने इल्लीगल चीज़ें ये भी की। इनके पास में दे डू नॉट हैव पावर टू रिमूव एनी ट्रस्टी फ्रॉम द ट्रस्ट। सर, बताइए कि जब 2016 में आप ट्रस्ट में थे और अभी जो तस्वीरें सामने आई, ये दोनों में क्या फर्क है? जब हम 2016 में ट्रस्ट में थे, दिसंबर 2016 में हम लोग इलेक्टेड होकर ट्रस्ट में आए, उसके बाद में 17 से जो है हमने ट्रस्ट में आना चालू किया। उस वक्त जो है वहाँ की जो स्थिति एक नॉर्मल थी, जो सारे लोगों की होती है नॉर्मल, जैसा एक रेड कलर की जो दीवार बनी हुई थी उस तरीके से नॉर्मल थी, जिसका मैं लगे तो आपको इस पर फ़ोटो भी बताता हूँ। और ये फ़ोटो है, उस वक्त की फ़ोटो है, ये इनको दफनाने के बाद की फ़ोटो है, ठीक है। ये इस तरीके से थी, ठीक है।
अभी जो है वो सिचुएशन की फ़ोटो आपको पता है किस तरीके से वो है, उनमें लाइटिंग लगा दिए, ब्यूटिफिकेशन कर दिए, उनका मेन इंटेंशन यही था कि वो उसको ब्यूटिफिकेशन करे। उन्होंने कैसा है, अगर जैसे ये लोग बताते हैं कि बड़ी रात थी तो सब लोग लाइट लगाते, बड़ी रात को ख़त्म होके अभी अगली बड़ी रात आने की थी, लाइट अभी तक क्यों लगी थी, निकाल देना चाहिए था वो लाइट, क्यों नहीं निकाले लाइट। नीचे तोरण लाइट लगाने की जगह नीचे लोग ने स्ट्रिप लगाए जो बटन से बंद चालू होती होगी, और 24 घंटा जब चालू रहेंगी तो मस्जिद के अंदर लाइट का बिल नहीं आएगा। ये उनका क्लियर इंटेंशन था ट्रस्ट का कि इसको जो है वो ब्यूटिफिकेशन करने का ये उनका इंटेंशन था। इसके लिए हमारे को ट्रस्ट से जो है गलत FIR करके LT मार्क के अंदर ट्रस्ट ने उनका साथ देके निकाली, और ट्रस्ट उनके साथ में मिली भी है। उसके बहुत सारे फोटोज जो है मैंने और भी न्यूज़ों में दिया, मैं आपको भी प्रोवाइड करवा देता हूँ कि वो ट्रस्ट को के अंदर वो रऊफ मेमन को साथ में लेकर घूमते थे, हर चीज़ों में उसके वो इन्वॉल्व था।